यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं चुनावी रंजिशें भी सामने आने लगी हैं। हाल ही में बागपत में प्रधान पद के उम्मीदवार को शनिवार की देर रात अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यवस्था में चौधरी शकील को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए शकील को मेरठ रेफर कर दिया। ये मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के ऑक्सिका गाँव का है। खबरों के मुताबिक चौधरी शकील शनिवार की देर शाम अपने घर जा रहे थे, तब भी अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। बताया जा रहा है कि एक गोली शकील के हाथ में तो दूसरी शकील उनकी जांघ में लगी है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि चौधरी शकील पर चुनावी रंजिश के चलते हमला हुआ है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है, लेकिन इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शुक्रवार की रात को पूर्व प्रधान बृजेश सिंह की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह इस बार भी पंचायत पद के दावेदार थे। इस हमले में भी चुनावी रंजिश का अंदेशा जताया जा रहा है। न्यूज़ डेस्क।